आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति में आज का विषय बैक पेन यानी पीठ या रीढ़ के हड्डी का दर्द। आज हमारे साथ है डॉक्टर उदय फुटे जी। ये शहर के जाने माने ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन हैं। फिलहाल वे पिछले कई सालों से औरंगाबाद के सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। आज हम इनसे जानेंगे पीठ दर्द के बारे में। ये हमें बता रहे हैं रीढ़ की हड्डी की समस्या केवल आज की लाइफस्टाइल है, यानी कई घंटों तक कुर्सी पर बैठकर काम करना, सही समय पर खान पान ना होना, बाइक का ज्यादा इस्तेमाल करना या फिर एक्सरसाइज ना करना। क्या है इसके दुष्परिणाम, आज हम यही जानेंगे डॉक्टर उदय फुटे जी से। जिनके पीठ या कमर में दर्द है तो वो ये वीडियो जरूर देखे। स्पाइन के जो डिसीज बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, इसके ऊपर हम बात करेंगे डॉक्टर उदय फुटे साहब से, जो धूत हॉस्पिटल में फुल टाइम में यहाँ पे रुग्णों को सेवा देते हैं। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो हम कमर के डिस्क के बारे में हम लोग मर्यादित रखते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो कमर के जब डिस्क का प्रॉब्लम बोलते हैं तो उससे सबसे अहम जो उसकी वजह है वो है, एक तो अपना जॉब प्रोफाइल, काम करने का ढंग, काम करने का तरीका, और एक्सरसाइज, कम एक्सरसाइज होना, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं होना, और फॉल्टी हैबिट, ये सबसे ज़्यादा रीज़न है। दो चीज़ें होती है, एक तो जब ये डिस्क का प्रॉब्लम, मतलब ये डिस्क में काफ़ी 80% पानी रहता है जिसकी वजह से वो सॉफ्ट रहते हैं। जब भी उसकी कोई बीमारी होती है तो धीरे धीरे ये वाटर कंटेंट पहले कम हो जाता है, वो सिकुड़ जाती है, और उसके बाद में फिर कमर दर्द या समझो हल्का सा पैर में दर्द, ये सब चीज़ें चालू होती है। कई बार ये जो डिस्क रहती है वो डिस्क सरक जाती है अपने जगह से, पीछे सरक जाती है। पीछे सरकने के बाद जैसे आप मॉडल में देखते हैं कि ये जो रीढ़ की हड्डी है उस इसके अंदर से अपनी मेन नस जाती है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो ये जो अगर डिस्क सरक गई पीछे तो वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर देती है, और अगर नस दब गई तो फिर जहाँ की नस दब गई है वो लेवल से अपने को तकलीफ होती है, जैसे पैर में मुंगी आना, पैर में झुंझुनाहट आना, पैर की उंगलियों की या नीचे स्नायुओं की ताकत कम होना, या अपना सेंसेशन कम होना, और बहुत रेयर चीज़ में जिसको हम बहुत सीरियस बोलते हैं उसमें कई बार अपने पेशाब की सेंसेशन चले जाना, ये सब चीज़ें डिस्क की वजह से हो सकते हैं। डिस्क के प्रॉब्लम हो ही गया है तो अभी कौन से कारण से हुआ हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हो गया तो इसमें उपचार किस तरह किया जाता है? ऑपरेशन करना पड़ता है या फिर हमें कुछ ट्रैक्शन ऐसा फिजियोथेरेपी से उसका उपचार किया जाता है? ओवरऑल अगर हम कोई भी डिस्क का प्रॉब्लम अगर देखें तो एक चीज़ बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट जो नेचुरल हिस्ट्री बोलते हैं, जैसे एक कोई भी बीमारी रहती है उसकी एक नेचुरल हिस्ट्री रहती है, जैसे टाइफाइड रहता है तो समझो एक 7 दिन बुखार आता है, 10 दिन बुखार आता है, डेंगू, मलेरिया, हर एक चीज़ का अपने अपने एक नेचुरल हिस्ट्री रहती है। जैसे अभी आप आजकल हम लोग कोविड का भी देखते हैं तो वो भी जब इन्फेक्शन होता है फिर रहता है फिर 10 दिन में ठीक हो जाता है, उसकी एक नेचुरल हिस्ट्री रहती है। वैसे भी जो डिस्क की बीमारी रहती है उसकी भी एक नेचुरल हिस्ट्री है, और पूरे हमारे लिटरेचर के हिसाब से ऑलमोस्ट 75-80% पेशेंट्स विदाउट सर्जरी ठीक हो जाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका ही दूसरा मतलब है कि बचे वाले जो कुछ 20-25% पेशेंट है उनको ही कुछ एक्टिव ट्रीटमेंट लग सकती है। ऑपरेशन किस तरह किया जाता है? ऑपरेशन तो एक तरीका है, जैसे एक ही है कि जैसे डिस्क सरक गई है और जैसे मैंने बोला कि वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर दे रही है, नस दब गई है अपनी, और कुछ सिम्टोमेटिकली पेशेंट्स को वीकनेस या कुछ हो रहा है जो एक शेड्यूल्ड ड्यूरेशन में 8-10 दिन 3 हफ्ता महीना अगर कम नहीं हुआ या बढ़ जा रहा है तो अपने को ऑपरेशन लगता है। ऑपरेशंस तो कई तरीके के होते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो MRI करते हैं हम लोग उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड रहती है कि किस तरीके का ऑपरेशन करना है, पर आजकल 85-90% केसेस में दूरबीन की सहायता से स्टिचलेस माइनर सर्जरी होता है जो बिल्कुल सेफ ऑपरेशन का प्रकार है।
लोगों में बता मतलब गैर समझ ऐसा है कि हमें डिस्क मतलब कमर का तकलीफ हो गई है, इसे ऑपरेशन नहीं करना है, बहुत बड़ा गैर समझ है। ऑपरेशन करने से हमारे पैर की ताकत जाती है, ऐसा लोगों में गैर समझ है। या कुछ प्रसन्न हुआ भी होगा तो लोगों में एक डर सा हो गया, इसलिए वो कमर की बीमारी है जो दिन ब दिन बढ़ते जाती है। बाद में ऐसा होता है कि उनके पैर की ताकत जाती है, तो ऐसे लोगों का आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? कोई भी स्पाइनल लंबर डिस्क की जो तकलीफ है उसको लाइटली नहीं लेना है, बिल्कुल दुर्लक्ष नहीं करना है। कहीं सुनी बातें के ऊपर कृपया आपका विश्वास मत रखिए। स्पाइन सर्जन्स जो है वो स्पाइन सर्जन्स एक स्पेशल ब्रांच है ऑर्थोपेडिक्स की, जिसमें लोग काफ़ी अपना अनुभव लगाते हैं, काफ़ी ट्रेनिंग होती है। तो प्रॉपर आदमी के पास अगर आप जाएंगे और ट्रीटमेंट लेंगे तो इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है। स्पाइन सर्जरी की वजह से पैर की ताकत जाती है, इससे तो बहुत दूसरी कौन सी भी गलत फहमी नहीं ज़्यादा नहीं है इसका। ये जैसा है ना कि अगर मैं बोलूँ कि आप रास्ते पे मत चलिए, रास्ते पे चलेंगे तो आपकी जान जा सकती है एक्सीडेंट होके, ये मेरा बोलना सही है या गलत है आप देख लो। मतलब ये सही है पर उसका परसेंटेज बहुत कम है। वैसे ही है, अच्छे तरीके से अच्छे आदमी के थ्रू अगर हम लोगों ने ऑपरेशन किया तो स्पाइन सर्जरी की वजह से पैर में कोई भी व्यंग रहता नहीं है। अभी हम उनसे जानेंगे क्या हेल्दी स्पाइन किस तरह रहना चाहिए, या डिस्क की कोई बीमारी ना हो इसके लिए क्या हमने प्रिकॉशन लेना चाहिए, हम उदय फुटे साहब से जानना चाहेंगे। इसी मेडिसिन के बाकी के सब्जेक्ट्स में जो है वो जो हमारा एक बेसिक जो मोटो रहता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, ये स्पाइन सर्जरी में स्पाइन के डिस्क के प्रॉब्लम में भी वहीं अपने को लागू होता है कि हम लोग इसके ऊपर ध्यान दें कि हम लोगों को ये तकलीफ ना हो। हाँ, ये उम्र के हिसाब से जैसे बाकी सब जोड़ों में इसमें जो रेगुलर डीजनरेशन या घिसान जिसको बोलते हैं वो होती है, वो वैसे रीढ़ की हड्डी में भी होती है, उसके एज के हिसाब से धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड रहते हैं, जिसको हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर जो चीज़ है वो अपने कंट्रोल में रखना ये बिल्कुल अपने हाथ में है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक है कि आपको तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। एक्सरसाइज का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जो जितनी रेगुलर एक्सरसाइज रीढ़ की हड्डी की करते रहेंगे उनमें कोई भी डिस्क का प्रॉब्लम होने के चांसेस कम रहते हैं। आपका डाइट अच्छा होना चाहिए बिल्कुल, काफ़ी लोगों को जैसे हम लोग बोलते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी है, या बाकी और कोई जैसे डायबिटीज़ है लोगों को, तो ये सब जैसे कुछ बाकी जो बीमारी रहती उसके वजह से ये तकलीफ़ अपनी बढ़ती है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आहार व्यवस्थित और एक्सरसाइज व्यवस्थित, ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, और बेसिकली अभी जो आज की जो पॉपुलेशन है जिसमें 80% जो है वो ऑफिस चेयर जॉब जिनका है, कंप्यूटर ऑफ जिनका ज़्यादा 8-10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठना रहता है, उन लोगों में तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा दिखती है। पुराने जो देहाती लोग हैं उनसे इनमें ज़्यादा रहती है, क्योंकि जितनी फिजिकल एक्सर्शन एक देहाती आदमी को रहती है उससे बहुत कम फिजिकल एक्सर्शन ये जो सो कॉल्ड चेयर जॉब जिनका है उन लोगों में रहती है, तो उनको एडिशनली अपने बैक एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज एक बात हो गई, पोस्चर बहुत है, जैसे हम कौन सी चेयर पे बैठे, कैसे बैठेंगे, अगर हमको 8 घंटे काम भी करना है चेयर पे बैठ के तो मेरी कुर्सी कैसी होनी चाहिए, मैंने कैसा बैठना चाहिए, मेरे बैक को कितना सपोर्ट चाहिए, मेरे सामने अगर मेरा कंप्यूटर है तो उसकी हाइट क्या चाहिए, मैं गाड़ी कैसे चलाऊं, मैं टू व्हीलर कैसे चलाऊं, ये बहुत सारे पोस्चरल ट्रेनिंग है जो कोई भी अच्छा एक स्पाइन सर्जन जो है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सब कुछ समझा सकता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनसे आप आगे चलने वाली बहुत बड़ी बीमारी को रोक सकते हैं। देखा दर्शकों, डॉक्टर उदय फुले साहब ने हमें अपना स्पाइन को हेल्दी कैसा रहना चाहिए, अपना पोस्चर कैसा रहना चाहिए, कैसा प्रिकॉशन लेना चाहिए, सब टिप्स हमें बताया है। अगर बाय चांस कुछ अगर आपको स्पाइन की तकलीफ होती है तो भी डरने की कोई बात नहीं है, अपने नज़दीक के स्पाइन सर्जन से ही अपना डायग्नोसिस करना चाहिए, ना कि जनरल डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके अपना वक्त बर्बाद करें और ज़्यादा बीमारी बढ़ने से बचाएं।